प्रदर्शनों के बीच फिल्म पद्मावत का प्रदर्शन हुआ 25 जनवरी 2018 को। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने, और इसमें शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पद्मावती रानी के रूप में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। इस फिल्म ने 4 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि ये 4 राज्यों में रिलीज नहीं हो पाई, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसके बावजूद भी ये फिल्म 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई और उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि 178 करोड़ का बिजनेस बाहुबली 2 ने किया था, जब वो 6500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रानी पद्मावती के बारे में, रियल रानी पद्मावती कौन थी और उनके बारे में कुछ लेसन नोन फैक्ट के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉक टू समू। रानी पद्मावती ये 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच की रानी थी, जिन्हें रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता था। रानी पद्मिनी के बारे में इससे पहले कभी भी कुछ लिखा नहीं गया था। सबसे पहले जो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी की रचना थी, जो कि सूफी कवि थे, जो कि पद्मावत नाम से ही एक बहुत लंबी और एक कविता लिखी गई थी, जिसके द्वारा लोग रानी पद्मावती के बारे में जानने लगे, जिसे 1540 में उन्होंने लिखा था। इससे पहले उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा और सुना गया था, और ना ही किसी मुस्लिम समाज में और ना ही हिंदू समाज में इससे पहले इतिहास में उनका कोई परिचय और कोई भी बात नहीं प्रस्तुत होती है। ये सबसे पहले पद्मावत में लिखा गया। राजस्थानी कुछ लोकगीत भी इसमें बाद में गाए जाने लगे, जिसमें पद्मावती चौपाइयाँ और गोरा नाम के लोकगीत उसके बाद प्रचलित हो गए। रानी पद्मावती के पास एक तोता था, जो कि बात किया करता था और जो उनके प्रशंसाएं किया करता था, उनकी तारीफ करता था उनकी सुंदरता की। और वह उस तोते ने ही एक दिन जाके प्रशंसा की थी उसके बारे रतन सिंह राजा के बारे में। रतन सिंह उस प्रशंसा से इतने प्रभावित हुए कि उनसे शादी करना चाहा। आखिरकार रानी पद्मावती ने एक शादी के समय पर एक शर्त रखी थी कि उनके जो तलवारबाज हैं, उनके जो योद्धा हैं, उनको जो हरा देगा बस उसी से शादी करेगी। और रतन सिंह को ये उनकी शर्त मंजूर थी और ये शादी हो गई, क्योंकि उन्होंने उन योद्धा को हरा दिया था। इसके बाद रानी पद्मावती की बहुत ज़्यादा योद्धा थी, महान योद्धा थी, जिसके एक बार पता चला वहाँ के बहुत बड़ा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसको पता चला कि किसी उनके गुप्तचर के द्वारा, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनके गुप्तचर से पता चला कि रानी पद्मावती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। उनके इतने गुणकार से प्रभावित होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के पास प्रस्ताव भेजा कि वो रानी से एक बार मिलना चाहते हैं, और अगर वो इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो उनके देश पर, उनके चित्तौड़गढ़ राज्य पर संकट की घड़ियां आ सकती हैं। तब रतन सिंह हालांकि इस बात के लिए मान गए थे, तैयार हो गए थे, लेकिन रानी ने मना किया और रानी ने बताया कि वो केवल उन्हें अपनी छवि दिखा सकती हैं। और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई कि उन्हें खिलजी जब आया देखने के लिए, तो खिलजी को रानी पद्मावती के बारे में, पद्मावती की केवल एक पर्चा ही देखने को मिली। रानी पद्मावती की छवि से वो इतना प्रभावित हुआ, उसकी परछाई से इतना प्रभावित हुआ खिलजी, के वो उनसे प्रेम करने लगा और उनसे मिलना चाहा और उनसे उनको पाना चाहता था। एक दिन इसी के चलते रानी पद्मावती के राज्य पर, रतन सिंह के राज्य पर उसने हमला कर दिया, और इस हमले में रतन सिंह को भी खिलजी ने अपना बंधक बना दिया। और बंधक बनाते के बाद उसने ये शर्त रखी कि अगर वो उसको वापस चाहते हैं, रतन सिंह को पद्मावती के सामने शर्त रखी कि अगर वो वापस चाहते हैं तो उन्हें उनके साथ में चलना होगा। लेकिन रानी पद्मावती ने फिर से साहस दिखाया, और साहस के चलते उन्होंने अपनी 700
सेवक जो सेना दल था 700 ट्रूप्स उनके पास भेजी और वो ट्रूप्स उनको बचाने में कामयाब भी रही। लेकिन राजा रतन सिंह को कुछ दिनों बाद अपने प्राण गंवाने पड़े और इसके चलते फिर से हमला बोल दिया उस खिलजी ने। और खिलजी ने वहां पर संदेश भिजवाया कि वो रानी को बंधक बनाने आ रहे हैं। और उन्होंने जब आर्मी को भेजा तो उस समय रानी ने फिर से साहस दिखाया और कहा कि वो किसी पराए मर्द के साथ का बंदी बनना पसंद नहीं करेंगी। और इसके चलते उन्होंने जौहर कुंड में वहां से एक गुप्त रास्ते से जौहर कुंड की तरफ चित्तौड़गढ़ से जाता था वहां पर जौहर में कूद गई और अपनी प्राण दे दिए और जल गई। इसके बाद बाकी की महिलाएं भी अपने इस तरह से रानी को देखने के बाद प्राण नौछावर कर दिए। ये वो पहली थी जिन्होंने अपने प्राण नौछावर किए, रानी पद्मावती। रानी पद्मावती पद्मिनी के नाम से तो जानी ही जाती थी और उनके बारे में बहुत सारी चित्रकारियां की गई। और मलिक मोहम्मद जायसी ने जो कविताएं लिखी उसके बारे में जो चरित्र जो चित्रण किया गया है बड़ी सुंदरता से किया गया है। उसी चित्रण को संजय लीला भंसाली ने अपने फिल्म में प्रस्तुत किया है, कुछ काल्पनिक ढंग से कुछ अपने ढंग से उसका फिल्मांकन किया है। राजपूत अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो विरोध जैसी कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से असली कहानी है कि खिलजी को कभी रानी देखने को मिली ही नहीं थी, तो उसी तरह से इस फिल्म में भी दिखाया है। एक भी सी स्क्रीन नहीं है फिल्म में जिसमें खिलजी और रानी पद्मावती एक साथ दिखाई हो गई हों। तो ये थे कुछ अननोन फैक्ट, कुछ लेसर नोन फैक्ट रानी पद्मावती के, रियल रानी पद्मावती के बारे में। ये कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, इस तरह के और जानकारी के लिए, बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद घंटी के निशान को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमेशा इस तरह के वीडियो समय पर मिल जाया करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे।